दूसरी वॉइस ऑफ यूथ के एपिसोड नंबर 14 में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में महिलाओं के साथ जो है अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और आज का जो एपिसोड नंबर 14 है इसमें आज हम बात करेंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में हरियाणा में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, और इस अभियान के थ्रू उनका ये मोटिव था कि देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। और देश में अगर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो में जो है वो अंतर हो रही थी, इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, और दूसरी चीज़ जो इन्फेंटिसाइड जो है उसको ख़त्म किया जा सके, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, इन सारे चीज़ों को सही करने के लिए ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हम आशा करेंगे कि सारे लोग जो है महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो मेल और फीमेल के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है, उन चीज़ों को रोका जा सके और देश जो है प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो आज के इस एपिसोड में 14 में जो है हमारी चीफ गेस्ट जो पहले भी आ चुकी है मिस शिवी, वो आज जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान पर जो है वो हमें क्लियर बताएँ। सो एपिसोड नंबर 14 में मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस शिवी का। तो हेलो हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आर रिस्पेक्टेड सर कि हम जैसे इन्होंने पहले एपिसोड में भी आ चुके हैं। एपिसोड नंबर 5 वॉज माई फर्स्ट एपिसोड एंड दिस इज माई सेकेंड एपिसोड, एंड द टॉपिक इज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। सो सर प्लीज। तो देखिए आप अभी है किसी न किसी की बेटी हैं, तो जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उन चीज़ों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप, इन चीज़ों से क्या समझते हैं? सर बेसिकली जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की हम लोग को शुरुआत करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी है, बेसिकली क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन ये इसलिए अराइज हुआ, बेसिकली जो फीमेल इन्फेंटिसाइड काफ़ी हुआ था इन एंशियंट टाइम्स से हम लोग देखे चले आ रहे हैं कि बेसिकली जो मतलब इलिटरेट पीपल्स हैं और जो मतलब काफ़ी बैकवर्ड क्लास पीपल हैं बेसिकली, तो उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम है जब उनके पास कुछ काम नहीं होगा, देयर लैक ऑफ एजुकेशन लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, तो जाहिर सी बात है कि उनका दिमाग घूम फिर के आएगा कि दे शुड मीन्स इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ देयर फैमिली। ओके, तो सर क्या होता है फिर कि जैसे नहीं है ऑक्यूपेशन किसी के पास, ऑक्यूपेशन नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो इंसान के पास सिर्फ एक ही मोटिव बचता है कि यार चलो और बच्चे लाते हैं हम लोग, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं अपनी फैमिली की पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, तो मतलब इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो उसके बाद हमारे जो ऑनरेबल सर प्राइम मिनिस्टर सर सर नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जैसे शुरुआत किया, तो बहुत ही अच्छा मोटिव है हमारे ख्याल से, क्योंकि अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो आप पूरा आपकी जो फैमिली है ना वो पढ़ जाती है। क्यों कैसे, अगर आप एक बेटी को पढ़ाएंगे तो वो इन फ्यूचर किसी की वाइफ बनेगी जिससे वो अपने हस्बैंड को इन फ्यूचर सपोर्ट कर सकती है, देन शी विल बी द मदर ऑफ समवन, तो वो अपने चिल्ड्रंस को मतलब अपने जितने भी बच्चे होंगे उनको पढ़ा सकती है, एंड इन फ्यूचर उनके बच्चे भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ओके, तो इस वजह से अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो आप पूरे समाज को पढ़ा सकते हो। बात तो सही कहा आपने, लेकिन देखिए जो ये स्कीम आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लाने के पीछे कारण क्या था? कारण जो जैसे कि सबको पता है कि मतलब जो फीमेल और मेल की जो रेशियो जो है पॉपुलेशन में वो कम पड़ रही है, वहीं से शुरुआत की गई थी। तो सर मतलब बेसिकली जो सेक्स रेशियो है बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो वो बहुत डाउन हो रहा है, और आजकल हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी मतलब जो अनमैरिड पीपल्स हैं उनका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, मतलब इन द सेंस कि जितने भी अनमैरिड लोग हैं वो काफ़ी मतलब बहुत अनमैरिड लोग हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास फीमेल्स ही नहीं है इंडिया में, फीमेल्स नहीं है, और कुछ स्टेट्स में तो इवन ये भी होता है कि जैसे उनके पास नहीं रहती हैं फीमेल्स, तो वो बाहर से मतलब अडॉप्ट करते हैं और फिर उन अपने स्टेट में शादी करवा देते हैं उनकी, जब सही बात है कि जहाँ बेसिकली उन स्टेट्स में होता है जो बहुत ही पुअर स्टेट्स हों या फिर बहुत कह सकते हैं कि बहुत मतलब लो स्टैंडर्ड विलेजेस या फिर कुछ रूरल एरियाज हों, उनमें बेसिकली ये होता है। बात तो सही कहा आपने, लेकिन देखिए जो इन्फेंटिसाइड जो हो रहा है
जिसे मतलब प्री जो है प्रेगनेंसी खत्म मतलब डिलीवरी होने से पहले लोग पता चल जाता है कि मतलब मेल है या फीमेल है. तो जो फीमेल होने पर लोग की जो मानसिकता बन गई थी कि जो है वो एबॉर्शन करा दे, ये चीज़ें देश से बिल्कुल कम होनी चाहिए. ये जो बिल्कुल होनी चाहिए आजकल. मतलब जैसे पहले जो टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो मतलब पहले एक छोटा सा मतलब बिल्कुल माइनर कह सकते हैं माइनर एडवांटेज मिलता था न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स स्पेशली गर्ल्स इंडिविजुअल्स. ओके, तो उनको इतना मतलब मिलता था कि वो एटलीस्ट दे कैन दे आर एलिजिबल टू कमिंग दिस वर्ल्ड. ओके, तो वो उनको लाया तो जाता था, पैदा भी किया जाता था, दे वर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड. बट देन वॉट हैपन कि अगर वो गर्ल होती थी तो उसको मार दिया जाता था, सिंपली मार दिया जाता था. दे वर बीइंग किल्ड. ओके, एजुकेशन में भी जो है ना मेल और फीमेल के बीच में काफ़ी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. आप अगर जनरली अगर देखें तो गाँव में फैमिलीज क्या करती है, जो बड़े बच्चा है लड़का है उनका तो उसको जो है उसको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करती है और जो गर्ल है उसको घर का काम करने में. तो आजकल मतलब विलेजेस में मेंटेलिटी चेंज हो रहा है. हम जहाँ हैं हम जहाँ स्टूडेंट हैं हम भी देख रहे हैं मेंटेलिटी चेंज है लोगों का, लेकिन 100% होना चाहिए लोगों के अंदर. इस अभियान के थ्रू गवर्नमेंट कही है कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, इन द सेंस बेटों को बेटियों की तरह ट्रीट करो. तो मतलब जैसे देखिए स्कीम्स को, ये जो स्कीम है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये स्कीम को कैसे हम सही कर सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैसे सक्सेस किया. सर बेसिकली तो पहले तो हम लोग जो भी जितने भी अब तो इतने इलिटरेट पीपल्स नहीं है, बट जितने भी इलिटरेट पीपल है पहले तो हम लोग उनको लिटरेसी प्रोवाइड करें. ओके, इधर शी इज़ अ बॉय शी इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ ही इज़ अ बॉय. ओके, तो हम लोग इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करें. अगर गर्ल है और कोई विलेज में रहती है तो ये नहीं होगा होना चाहिए कि लड़की है तो भैया वो घर का काम करेगी, लड़का है तो वो स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए. जबकि आजकल के देखा जाए तो जितने भी हाई मतलब हाई पोस्ट हैं रेप्यूटेड पोस्ट हैं जैसे IAS IPS जितनी भी पोस्ट हैं सारी गर्ल्स के थ्रू ऑक्यूपाइड हैं. मैं बेसिकली आई गेस कि जितनी भी IAS और IPS रिसेंट ईयर्स में भी रही हैं तो वो बेस गर्ल्स ही थी. बॉयज़ तो शायद ही एक दो हो तो हो, नहीं तो दे वर ऑल गर्ल्स. ओके, तो IPS IAS के उसमें भी क्या, अगर टीचर्स डॉक्टर्स इन सब फील्ड्स में भी देख ले, इंजीनियर्स इन सब में भी एक गर्ल ही है जो मतलब अपना पेरेंट्स का नाम रोशन करती है और अपनी फैमिली वालों का नाम रोशन करती है. सो मतलब बेसिकली बोलना ये चाहती हूँ मैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लड़कों को समझाओ. अच्छा सही बोला आपने, दोनों चीज़ को जो है पूरा बैलेंस करना बहुत जरूरी है. और लास्ट मैं आपसे मैसेज जानना चाहूँगा इस एपिसोड के थ्रू कि आप उन सारे लड़कों को क्या मैसेज देना चाहती हैं और उन माँ को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो ऐसी मेंटालिटी रखती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये तो सॉरी एक पॉइंट मिस हुआ कि जो अगर एक माँ है ठीक है जो माँ है वो ही अपनी बच्ची को खुद मार रही है तो आप ये बताइए कि अगर आप अपनी बेटी को मार रही हैं तो आप बहू अपने लिए कहाँ से लाएंगी. हाउ विल यू ब्रिंग द डॉटर इन लॉ फॉर योर सन, द क्वेश्चन मार्क अराइजेस हियर फॉर ऑल दोज मदर्स इन दिस वर्ल्ड. सो स्टॉप किलिंग गर्ल चाइल्ड एंड प्लीज हाथ जोड़ के मेरी उन सब माओ और पिताओं से विनती है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सबको आप पढ़ाने के लिए स्कूल भेजिए, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करिए, उनको अच्छे से पढ़ाइए. और देखना ये मेरी गारंटी है कि कोई लड़की ना अपने माँ बाप का नाम कभी नहीं गिरने देती. एक लड़का कह सकते हैं कि वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, लेकिन एक लड़की उसकी शादी भी हो जाए ना तो भी वो अपने माँ बाप की बात सुनती है. बहुत अच्छा बोला आपने और शुक्रिया. लेकिन मैं मेल के लिए भी कुछ बोलना चाहूँगा ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन बस ख़त्म होना चाहिए ये बात आपने जो भी बोला जी सर. और मैं इतना और कहना चाहूँगा कि जितने भी इस आज का जो एपिसोड है उन माओं के लिए पूरी तरह से समर्पित है जो वैसी मानसिकता नहीं रखती, जो अपने बेटे और बेटियों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं और दोनों को इक्वल एजुकेशन देती हैं. हम अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं कि हमने बॉयज़ के लिए उल्टा गलत बोला थोड़ा जो भी बोला, बट क्या बोलते हैं कि मैंस अब खुद अपना स्टैंडर्ड रेज कर चुके हैं तो अब हम उन गर्ल्स के लिए खड़े हैं जो मैन के इक्वल नहीं है ठीक है. मैं मतलब बॉयज़ से हमारी ये शिकायत नहीं है कि वो टोटली गलत है, लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बॉयज़ ऊपर हैं तो गर्ल्स नीचे, बॉयज़ बढ़ रहे हैं तो गर्ल्स घर का काम कर रही है. नहीं,
ये पुराना ख्याल था, अब हम लोग 21st century में रह रहे हैं तो हमको उसके हिसाब से जीना चाहिए, ना कि हम लोगों को किसी पुराने ख्याल के विचार पे। और हमारे जो एक सर आप शायद जानते हो, हमारे एक ग्रेट हिस्टोरियंस रहे हैं मनु, उन्होंने अपना मनुस्मृति में बहुत अच्छा सा श्लोक बोला था, नारायण सुजत्रपूज्यन्ते रमन्त्रेत देवता, अर्थात इस श्लोक का ये मतलब है जहाँ नारी निवास करती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सिंपली ये कहना चाहते हैं इसमें कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी नारी का सम्मान होता है, नारी को रिस्पेक्ट दी जाती है, फीमेल को रिस्पेक्ट दी जाती है, वहाँ पे जितने भी देवता और देवियाँ हैं वो निवास करते हैं। आप अगर मतलब अगर आपके घर पे कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो विद्या को हम लोग सरस्वती मानते हैं, ठीक है, तो हमारे पास विद्या आती है, सरस्वती एज अ देवी आती है हमारे पास, इसी तरह से सब कुछ होता है। तो सर बिल्कुल सही कहा आपने इन सारी चीज़ों को, और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा बोला और इक्वालिटी लोगों के वॉइस ऑफ चैनल के थ्रू लोगों को एक मैसेज है कि लोग राइट टू इक्वालिटी को बनाए रखें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सक्सेसफुल बनाएं। और लास्ट में मैं कुछ चार लाइन बोलना चाहूँगा जो अभी 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 जैसे जो मूवी हुई है बैटमैन, उसमें चार लाइन है कि वो मेल मेल स्ट्रॉन्ग कंट्री नॉट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, बट फीमेल स्ट्रॉन्ग मदर स्ट्रॉन्ग सिस्टर स्ट्रॉन्ग देन कंट्री बिकम स्ट्रॉन्ग। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो, कुछ लाइन छूट गई हो इस पंक्ति में, लेकिन इस लाइन के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वुमेन को जो है आगे बढ़ाया जाए और हर हर वुमेन को समान जो है एजुकेशन दिया जाए, उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। जय हिंद जय भारत।